आपके अपने YouTube चैनल वागा साड़ी क्लास में दोस्तों आपका स्वागत। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि मैं लगातार आपको क्या अभ्यास प्रश्न पत्र का सॉल्यूशन बता रहा हूँ। ओके दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं विषय रसायन शास्त्र केमिस्ट्री का क्या है सेट डी का फुल सॉल्यूशन देखने वाले हैं। इससे पहले मैंने दोस्तों आपको सेट ए, सेट बी और सेट सी का फुल सॉल्यूशन बता दिया अभ्यास प्रश्न पत्र का। नहीं देखा है आपने तो जाकर जरूर देखिएगा, अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियो डल चुकी है। ओके, आज की इस वीडियो में हम सेट सी डी का क्या है फुल सॉल्यूशन करने वाले हैं। ओके चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। और दोस्तों इस पेपर की खास बात यह है कि जो आपका केमिस्ट्री का 2023 का मॉडल पेपर है पूरा का पूरा वही रख दिया हमने सेट डी के नाम पे। ओके, जिसकी सहायता से आप सेट डी का सॉल्यूशन देखेंगी। साथ ही दोस्तों आपको क्या है मॉडल पेपर 2023 केमिस्ट्री का भी आपको पूरा सॉल्यूशन मिल जाएगा। ओके चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपके आ जाते हैं सही विकल्प, जो कि आपको 207 नंबर के रहने वाले हैं। पहला है शुद्ध जल की मोललता है, इसका दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर का 55.5, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके नेक्स्ट देख लेते हैं। ओके दोस्तों दूसरा आपको क्वेश्चन आ जाता है सेल स्थिरांक है, तो उसमें दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर का L/A। ओके नेक्स्ट है दोस्तों आपका तीसरा, कौन सा संक्रमण धातु आयन रंगीन है, तो उसका राइट आंसर आपका डी नंबर का। ओके नेक्स्ट है दोस्तों आपका चौथा, एरिल हैलाइड में हैलोजन परमाणु से जुड़े कार्बन में संकरण होता है, तो दोस्तों आपका चौथे का राइट आंसर है आपका बी नंबर का SP2 संकरण। ओके फिर नेक्स्ट है आपका एमीन की आकृति होती है, तो उसका राइट आंसर आपका ए नंबर का प्रेमिडीन। ओके दोस्तों नेक्स्ट है दोस्तों आपका, जंतुओं के कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संचित होता है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका बी नंबर का ग्लाइकोजन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों आपका लास्ट, अमीनो अम्ल की प्रकृति होती है, तो उसका राइट आंसर बी नंबर का क्षारीय। ओके इस प्रकार से अपने क्या है सही आपके सही विकल्प कंप्लीट हो जाते हैं। आगे आ जाते हैं आपके रिक्तस्थानों का आपको पूर्ति करना है। ओके तो पहला है आपका दोस्तों प्रतिरोधक का व्युत्पन्न आपका क्या है व्युत्क्रम है, तो इसका दोस्तों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा चालक था, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा, पहले का राइट आंसर आपका चालक। नेक्स्ट है दोस्तों आपका, अभिक्रिया की दर अभिकारक के सांद्रण के समानुपाती होता है। ओके तो समानुपाती इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, ZN में केवल ZS ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है, तो +2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपका नेक्स्ट है, ये आपका दिया है उसमें एक चक्रण संकुल है, तो ये क्या है उच्च चक्रण संकुल है, तो उच्च इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके नेक्स्ट है दोस्तों आपका पांचवा, कास्ट स्प्रेड का रासायनिक सूत्र है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका सूत्र हो जाएगा आपका CH3OH, इसका आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। नेक्स्ट देख ले छठवा है, जब आपको है आप इसकी क्रिया करेंगे तो आपको कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा, मतलब कौन सा उत्पाद मिलेगा, तो उसका आपको सॉल्यूशन इस प्रकार से हो जाएगा। तो आपको प्रश्न क्रमांक छठ में आपको ये आपको डायग्राम बना देना है। ओके नेक्स्ट है दोस्तों आपका, जब आपको इसका क्या है IUPAC नाम पूछा जा रहा है, तो उसका राइट आंसर हो आपका बेंजामिन, इसका आपको राइट आंसर हो आपको सॉल्यूशन लिखना है बेंजामिन। ओके तो ये अपना इस प्रकार से क्या है रिक्तस्थान की पूर्ति कंप्लीट हो जाती है। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों आपके आ जाते हैं एक वाक्य या एक शब्द में आपको उत्तर देना, जो कि 7 नंबर के रहने वाले हैं। पहला दोस्तों आपका, नॉर्मलता ज्ञात करने के लिए सूत्र लिखिए। ओके चलिए मैं आपको सॉल्यूशन दिखा देता हूँ, आपको क्या है नॉर्मलता ज्ञात करने के लिए आपको सूत्र लिखना है, तो इसका सॉल्यूशन आपके सामने ये दिया हुआ है। ओके बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं आपको सॉल्यूशन दिखाऊंगा। तो नॉर्मलता का आपका सूत्र ये दिया हुआ है, पहला है आपका नॉर्मलता बराबर विलेय का द्रव्यमान इंटू 1000 ओके अपॉन आपका विलेय का तुल्यांक आपका इंटू क्या है विलयन का आयतन। ओके तो ये आपका हो जाता है नॉर्मलता का फॉर्मूला। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों आपका, अरिहनियस समीकरण लिखिए। ओके तो चलिए इसका भी सॉल्यूशन दिखा देता हूँ, तो इसका सॉल्यूशन आपके सामने दिया है, फास्टिंग सॉल्व ले लीजिए आपको, इसमें अरिहनियस समीकरण आपको बताना है। ओके ये आपका दिया हुआ, तो फास्टिंग सॉल्व लेते चलिएगा, इसके आगे आपका ये दिया हुआ है फास्टिंग सॉल्व ले लीजिए। दोस्तों वीडियो को फुल क्वालिटी में देखें तो आपको क्या है समझने में दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होगी, अपना कंप्लीट हो जाता है। तीसरा क्वेश्चन आ जाता है, तीसरे में दोस्तों आपसे पूछा रहा है Cu2 पॉजिटिव आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। ओके इसका सॉल्यूशन आपको ये दिया हुआ, फास्टिंग सॉल्व ले लीजिए। इसमें थोड़ा आपको लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसलिए डिटेल से आपको बताना पड़ेगा। इसका सॉल्यूशन ये दिया हुआ है, तो फास्टिंग सॉल्व ले लीजिए। ओके नेक्स्ट दोस्तों आपको चौथा पूछा जा रहा है, एक वाक्य में EDTA की संरचना बनाइए। ओके अब संरचना बनाने के लिए क्या है, तो ये आपका दिया हुआ है। ओके EDTA का फुल फॉर्म क्या है, एथिलीन आपका डायमीन टेट्रा एसिटिक अम्ल, ये आपका दिया हुआ है। इसकी संरचना आपको बनानी, तो ये आपकी संरचना दी है, तो इसका क्या है फास्टिंग सॉल्व ले लीजिए। ओके यह आपका क्या है षष्ठ दंतु लिगेंड का कार्य करता है, और आपको ये संरचना बना देनी है। पांचवा देख लेते हैं, पांचवा है दोस्तों आपका क्या पूछा जा रहा है, पांचवा आपसे पूछा जा रहा है उपसह संयोजक संख्या 6 वाले संकुल यौगिक में सामान्य किस प्रकार का संकरण पाया जाता है। ओके तो चलिए इसके भी सॉल्यूशन देख लेते हैं, तो इसमें आपका ओनली सॉल्यूशन हो जाएगा आपका SP3D2, ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा, क्या है आपका SP3D2 संकरण पाया जाता है। ओके नेक्स्ट देख लीजिए छठवां है, छठवां दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है बेंजीन से एनिलीन प्राप्त करने का रासायनिक समीकरण लिखिए। ओके तो ये आपका दिया हुआ है रासायनिक समीकरण, तो इसका भी आपका है फास्टिंग सॉल्व ले सकते हैं, आपका दिया हुआ है किस प्रकार से आपको क्या है बेंजीन से एनिलीन प्राप्त करना है, इसका रासायनिक समीकरण आपके सामने दिया हुआ है, तो फास्टिंग सॉल्व ले लीजिए। ओके PDF चाहते हैं तो आप क्या है डिस्क्रिप्शन में दी गई व्हाट्सएप पर आप क्या है मैसेज कर सकते हैं।
नेक्स्ट आपका लास्ट आ जाता है डीएनए में अणु में उपस्थित शर्करा का नाम लिखिए। ओके, तो इसका भी सॉल्यूशन देख लीजिए, तो कौन सी शर्करा उपस्थित होती है, तो इसका राइट आंसर डीऑक्सीराइबोज, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। ओके, तो इस प्रकार से अपना क्या है कम्प्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख लेते अपन सही जोड़ियाँ इस प्रकार की आपकी रहने वाली हैं। ओके, तो पहला है आपका सी, तो पहले को दोस्तों आपको मिला देना है किससे, एच नंबर से। ओके, आपका हो जाएगा पहला +3। ओके, तो आपका पहला ये हो जाएगा। फिर दूसरा है दोस्तों आपका, तो दूसरे को दोस्तों आपको मिला देना है एफ नंबर से +2 से। ओके, फिर तीसरा है दोस्तों आपका, तो तीसरे को दोस्तों आपको मिला देना है ई नंबर से आपका सिरे से। फिर चौथा है दोस्तों आपका, तो चौथे को दोस्तों आपको मिला देना है ई नंबर से रोजन मुंडे से। और पाँचवा है दोस्तों, तो आपको पाँचवें दोस्तों आपका राइट आंसर बी नंबर का डाई एजोनियम लवण। और दोस्तों छठवा है, तो छठवें दोस्तों आपको मिला देना सी नंबर से। ओके, तो सातवा है दोस्तों, तो आपको इसमें राइट आंसर आपका सातवें का हो जाएगा डी नंबर का कीटो हेक्सोस, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये है आपका सही जोड़ियों का सॉल्यूशन, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब हम देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक छठवें, इक्कीस क्रमांक पाँचवें से। ओके दोस्तों, ये आपका दिया हुआ है, चलिए क्रमश सॉल्यूशन देखेंगे। ओके, जिन क्वेश्चनों कई क्वेश्चनों के मैंने अथवा सहित सॉल्यूशन किया है, तो मैं आपको अथवा सहित बताने की कोशिश करूंगा। ओके, तो आपका नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ जाएगा प्रश्न क्रमांक पाँचवा, यदि 22 ग्राम बेंजीन 122 ग्राम कार्बन टेट्रा क्लोराइड में घुली हुई है, तो बेंजीन का द्रव्यमान प्रतिशत गणना कीजिए। ओके, चलिए मैं आपको सॉल्यूशन दिखा देता हूँ। ये आपका सॉल्यूशन दिया हुआ है प्रश्न क्रमांक आपके पाँचवें का, तो आप क्या है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, फास्टिंग सॉल्व ये किस प्रकार से आपको करना है, पूरा बेहतरीन तरीके से सॉल्यूशन दिया हुआ है। चलिए आगे देख लेते हैं, आगे आपका ये दिया हुआ है, तो इसका भी क्या है फास्टिंग सॉल्व ले लीजिए, और आपका सॉल्यूशन आ जाता है बेंजीन का द्रव्यमान प्रतिशत आपका 15.28 आपका आ जाता है। ओके, अथवा वाला देख लेते, अथवा में दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है अणु संख्या गुण की आपको परिभाषा देनी है, तो अणुसंख्या आपका क्या है अणुसंख्या गुण की परिभाषा ये दी हुई है, +300 ले लीजिए। ओके, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको सॉल्यूशन दिया है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, पीडीएफ के लिए आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिएगा। चलिए आगे देख लीजिए प्रश्न क्रमांक छठवां, प्रश्न क्रमांक दोस्तों आपके छठे पूछा जा रहा है, किसी बिलियन की चालकता तंतुता के साथ क्यों घटती है, अथवा दोस्तों पूछा जा रहा है विशिष्ट चालकता को परिभाषित कीजिए व इसकी इकाई लिखिए। ओके, तो चलिए इसे भी सॉल्यूशन देख लेते हैं, तो इसका सॉल्यूशन आपके सामने दिया है, तो उसका क्या है +300 ले लीजिए, ये आपका दिया है। ओके, प्रश्न क्रमांक आपका छठवें का सॉल्यूशन, तो उसका क्या है +300 ले लीजिए, किसी बिलियन की चालकता तंत्र के साथ क्यों घटती है, इसका दिया हुआ है। ओके, फिर अथवा में दोस्तों से पूछा रहा है विशेष चालकता को परिभाषित कीजिए इसकी इकाई लिखिए, तो इसका भी सॉल्यूशन आपके सामने दिया है, इसका भी क्या है +300 लेते चलेगा। ये आपका प्रश्न क्रमांक छठवें के अथवे का सॉल्यूशन। ओके, इस प्रकार से अपने कंप्लीट हुआ था। चलिए आगे देख लेते प्रश्न क्रमांक सातवां। ओके, प्रश्न क्रमांक सातवें आपका ये वाला क्वेश्चन मैंने किया है ऊपर वाला। ओके, तो मैं आपको उसका सॉल्यूशन दिखा देता हूँ। ओके दोस्तों, तो आपका ये दिया हुआ आपका प्रश्न क्रमांक सातवें का सॉल्यूशन, तो +300 ले आपका क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक सातवां। ओके, इसका सॉल्यूशन आपके सामने दिया हुआ है, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, आपका दिया है प्रश्न क्रमांक सातवें का आपका सॉल्यूशन। ओके, तो ये आपका पूरा सॉल्यूशन दिया हुआ है, तो उसका क्या है +300 ले लीजिए। पीडीएफ चाहते तो आप क्या है आप मैसेज कर सकते हैं 90 39 53 44 79 पर। ओके, और आप क्या है केमिस्ट्री का कोर्स भी आप यहाँ से ले सकते हैं। ये आपका दिया हुआ सॉल्यूशन, तो अपना कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख ले प्रश्न क्रमांक आठवां। ओके, तो प्रश्न क्रमांक आठवें दोस्तों आपका ये दिया है क्वेश्चन, तो आप देख सकते हैं, पहले में तो आपको संयोजक यौगिक की आपको IUPAC नाम लिखने, और दूसरे में आपको जो संयोजक यौगिक दिया है उसका आपको सूत्र लिखना है। ओके, इस प्रकार से दिया है। चलिए मैं आपको क्रम से सॉल्यूशन दिखा देता हूँ। ये आपका दिया है क्वेश्चन, तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से आपके क्वेश्चन है। ओके, अब मैं आपको सॉल्यूशन दिखा देता हूँ। तो पहले का आपका दोस्तों आपका आठवें का सॉल्यूशन ये दिया हुआ है, ऊपर वाले के दो क्वेश्चन का सॉल्यूशन, तो स्क्रीनशॉट लिए। अथवा का उत्तर आपका ये दिया हुआ है, तो उसका भी क्या है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, इस प्रकार से अपना क्या है प्रश्न क्रमांक आठवां का सॉल्यूशन भी कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख लीजिए प्रश्न क्रमांक नौवां। तो नेक्स्ट आ जाता है प्रश्न क्रमांक आपका नौवां, तो देख लेते इसे भी अपन। इसमें पूछा जा रहा है आपका बर्नर के उप संयोजकता सिद्धांत की कोई दो आपको दो प्रमुख बिंदु बताने हैं। ओके, अथवा दोस्तों से पूछा है संलग्नी किसे कहते हैं। ओके, चलिए आपको सॉल्यूशन दिखा देता हूँ। ये आपका दिया है प्रश्न क्रमांक नौवें का सॉल्यूशन, तो इसका क्या है +300 ले लीजिए। ओके, ये आपको इसमें क्या है आपको वर्नर के सहसंयोजक उप सहसंयोजक इस सिद्धांत के आपको दो प्रमुख बिंदु बताने हैं। ये आपके दिए हैं दो प्रमुख बिंदु, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, बस फिर इसके बाद अथवा का सॉल्यूशन देख लेते हैं। अथवा दोस्तों से पूछा है संलग्नी किसे कहते, तो ये अब दिया हुआ है। ओके, जब किसी पत्र के साथ कुछ प्रपत्र नत्थी किसे किए जाते हैं, तो उसे क्या है संलग्नी कहते हैं, इसका क्या है +300 ले लीजिए। चलिए आगे देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक दसवां। तो प्रश्न क्रमांक दोस्तों आपका दसवां ये दिया हुआ है, पहले में पूछा जा रहा है आपका रोजन मुंड अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। ओके, तो चलिए मैं आपको इसका सॉल्यूशन दिखा दे, इसमें मैंने क्या है ऊपर ही वाला किया है, मैं आपको सॉल्यूशन दिखा देता हूँ। तो ये दिया हुआ है आपका, तो क्या है +300 ले लीजिए। आपको उसमें क्या है रोजन मुंड अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण देना है, जो कि आप देख सकते हैं ये आपका दिया हुआ है, तो आप क्या है इसके 300 ले लीजिए। आपके ये दो दिए हैं रासायनिक समीकरण रोजन मुंड अभिक्रिया के। ओके, तो इस प्रकार से अपना प्रश्न क्रमांक दसवां कंप्लीट हुआ था। चलिए आगे देख लीजिए प्रश्न क्रमांक ग्यारहवां। प्रश्न क्रमांक दोस्तों आपका ग्यारहवां है, एनिलीन जल में अविलेय है लेकिन HCl में विलयनशील है, क्यों? ओके, अथवा दोस्तों पूछा जा रहा है एल्किल हैलाइड का एमिनो अपघटन रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। ओके, चलिए मैं आपको सॉल्यूशन दिखा देता हूँ। इसका दोस्तों सॉल्यूशन आपके सामने दिया हुआ, तो उसका क्या है फास्टिंग सॉल्व लीजिए। एनिलीन जल में आपका क्या है अविलेय है,
लेकिन इस SCL क्या है, बिले है तो क्यों है, ये आपका सॉल्यूशन ये आपका दिया हुआ है, तो फास्ट इंसॉल्व ले लीजिए। ओके, यहाँ तक अपना ये कंप्लीट हो जाता, पूरा पैराग्राफ में आपको बताया गया है। अथवा दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है एल्किल हैलाइड का एमिनो अपघटन रासायनिक अभिक्रिया लिखना है, तो आपका ये दी हुई रासायनिक अभिक्रिया ओके एक लाइन का है, तो उसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस प्रकार से अपना क्या है, प्रश्न 11वीं तक अपना क्या है, सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाता है। अगर दोस्तों आप होने वाली बोर्ड परीक्षा में केमिस्ट्री के पेपर में 95 या 100 में 100 स्कोर करना चाहते हैं, तो आप अनुराग साड़ी क्लासेस के केमिस्ट्री के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें दोस्तों आपको मिलने वाला है ऑल चैप्टर PDF नोट्स, ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद सॉल्यूशन के साथ, साथ ही इसमें मिलने वाला है आपको ऑल चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ओके, क्योंकि आपको पता है 28 नंबर के आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। साथ ही दोस्तों इसमें आपको मिलने वाला है प्रीवियस ईयर पेपर विद सॉल्यूशन के साथ, क्योंकि MP बोर्ड में प्रीवियस ईयर के कई सारे क्वेश्चन आपको लिए जाते हैं ओके। साथ ही दोस्तों इसमें मिलने वाला है आपको मॉडल पेपर 2023 का सॉल्यूशन, यह सब दोस्तों आपको पूरा पूरा मिलने वाला है केवल 149 में ओके। तो आपको कोर्स लेने के लिए आपको व्हाट्सअप करना है 90 39 53 44 79 पर। अगर आप क्या है अलग से केमिस्ट्री का मॉडल पेपर 2023 का सॉल्यूशन लेना चाहते हैं तो कई रुपए में ले सकते हैं, तो अभी व्हाट्सअप कीजिए 9039534479 पर ओके। चलिए आगे देख लेते हैं, तो आगे दोस्तों आप आ जाता है प्रश्न 12वां, पेप्टाइड बंध किसे कहते हैं, अथवा उससे पूछा जा रहा है विटामिन B1 व C की कमी से होने वाले एक एक रोग का नाम लिखिए ओके। चलिए आपको प्रश्न 12वां का सॉल्यूशन बता देता हूँ, ये आपका दिया है प्रश्न 12वां का सॉल्यूशन। पहले आपसे पूछा जा रहा है पेप्टाइड बंध किसे कहते हैं, तो इसका सॉल्यूशन आपके सामने दिया है, फास्ट इंसॉल्व लीजिए, आपका ये दिया है फुल स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, वीडियो को फुल क्वालिटी में देखिए तो आपको दिक्कत नहीं होगी। तो ये आपको दिखाया जा रहा है पेप्टाइड बंध किसे कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 12वां का सॉल्यूशन, इसके आगे आपका ये दिया है उदाहरण ओके, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस प्रकार से हमने कंप्लीट हुआ था, अथवा देख लेते हैं। अथवा दोस्तों से पूछा जा रहा है विटामिन B1 व C की कमी से होने वाले एक रोग का नाम लिखना है, तो पहले देख लेते हैं विटामिन B1 की कमी से कौन सा होता है, तो मनोभ्रंश होता है आपका अल्जाइमा और बेरी ओके, और सी की कमी से होता है आपका स्कर्वी रोग ओके। इस प्रकार से हमने कंप्लीट हुआ था, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों आपका प्रश्न क्रमांक 13वां आ जाता है, जो कि आपका इस प्रकार से है कि 298 आपका 293 केल्विन पर जल का वाष्प दाब 70.535 mm आपका दिया है ओके। दोस्तों 25 ग्राम ग्लूकोज को 450 ग्राम जल में घोलकर 293 केल्विन पर जल के वाष्प दाब की गणना करना, तो पूछा जा रहा है आदर्श व अनादर्श विलयन में आपको क्या है कोई तीन अंतर आपको देना है। चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं, तो प्रश्न क्रमांक 13वां का सॉल्यूशन आपके सामने यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, तो फास्ट इंसॉल्व ले लीजिए ओके। आपका क्वेश्चन आपका पूरा करना है, आपका ये दिया हुआ क्वेश्चन की तरह दिया हुआ है, फास्ट इंसॉल्व ले लीजिए, ये आपका दिया हुआ, पहले आपको दिया है क्या करना है ये आपको बताया गया है, फिर आपको पूरा सॉल्व कर देना है ओके। इस प्रकार से आपको पूरा सॉल्व करना है, तो फास्ट इंसॉल्व ले चलिएगा, पूरे सॉल्यूशन में आपको दिखा रहा हूँ ओके। इसके आगे आपका ये दिया है फॉर्मूला लगा देना है, तो आपका इस प्रकार से सॉल्यूशन आ जाएगा। अथवा दोस्तों से पूछा जा रहा है आदर्श व अनादर्श विलयन में आपको अंतर देखना है, तो इसका सॉल्यूशन इसका दो सॉल्यूशन आपके सामने ये दिया हुआ है, तो फास्ट इंस्टॉल ले लीजिए, ये आपका दिया है आदर्श और अनादर्श विलयन में अंतर, तो फास्ट इंस्टॉल ले लीजिए। इस प्रकार से अपना ये क्या है कंप्लीट हो जाता है, 4 पॉइंट से आपको समझा दिया गया है ओके। चलिए आगे देख ले प्रश्न 14वां आ जाता है, प्रश्न 14वां है आपका एक अभिक्रिया A+B उत्पाद के लिए वेग आपका BM ये है आपका, इसमें आपको क्या है अभिक्रिया की कोटि की आपको गणना करनी है ओके। अथवा दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है दर्शाइए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 99% अभिक्रिया पूर्ण होने पर में लगा समय आपका 90% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगने वाले समय से दोगुना होता है ओके। चलिए मैं आपको सॉल्यूशन दिखा देता हूँ, ये दिया है आपका प्रश्न 14वां का सॉल्यूशन, तो इसका क्या है फास्ट इंसॉल्व ले लीजिए, यहाँ से आपको स्टार्ट हो जाता है, मैं आपको क्या अथवा सॉल्यूशन बताऊंगा, ये आपका दिया है तो पहले आप देख लीजिए, ये आपका सॉल्यूशन दिया हुआ है ओके, यहाँ आपका सॉल्यूशन आता है आ जाता है ओके, इजी है आपका बहुत ही। फिर अथवा दूसरा से पूछा जा रहा है, तो उसका भी आप सॉल्यूशन देख सकते हैं, आपका ये अथवा वाले का सॉल्यूशन स्टार्ट हो जाता है यहाँ से, तो उसका भी क्या है आप स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, मैं आपको क्रम से सॉल्यूशन दिखाते जा रहा हूँ, ये आपका दिया है पूरा सॉल्यूशन, तो उसका क्या है फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए ओके। इस प्रकार से अपना क्या है कंप्लीट हो जाता है और अपना क्या है सिद्ध हो जाता है। चलिए आगे देख लीजिए प्रश्न 15वां ओके, प्रश्न 2 आपका 15वां है, आप किस आधार पर कह सकते हैं कि स्कैंडियम एक संक्रमण तत्व है परंतु जिंक नहीं ओके। अथवा पूछा जा रहा है लेंथेनाइन संकुचन परिभाषित करें व इसके दो परिणाम लिखिए ओके। चलिए इसका भी सॉल्यूशन मैं आपको बता देता हूँ, तो प्रश्न 15वां का सॉल्यूशन ये दिया हुआ, तो फास्ट इंसॉल्व ले लीजिए। और अभी तक क्या है ना वीडियो को लाइक नहीं, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे मैं आपकी है होने वाले बोर्ड परीक्षा 2023 में आपकी क्या है मार्च में आपकी पूरी अच्छी आपकी सहायता कर सकूँ ओके। दोस्तों तो क्या है सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ये आपका प्रश्न 15वां का सॉल्यूशन है, आपको ये दिया हुआ है, तो इसका क्या है फास्ट इंसॉल्व ले लीजिए। इसके बाद चलिए अपन देख ले अथवा वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन, तो अथवा में पूछा जा रहा है लेंथेनाइन संकुचन को आपको परिभाषित करना है और आपको इसके दो परिणाम बताने हैं, तो ये आपका दिया है लेंथेनाइन संकुचन की आपका परिभाषा ओके। दोस्तों तो इसका क्या है फास्ट इंसॉल्व ले लीजिए। इसके बाद दोस्तों आपको परिणाम बताने हैं, तो ये आपके दिए है परिणाम, इसका भी क्या आप देख लीजिएगा, ये आपका परिणाम हो जाता है ओके। आगे देख ले अपन प्रश्न 16वां, तो प्रश्न 16वां आपका ये दिया हुआ है, तो आप इसे देख सकते हैं, तो इसमें दोस्तों मैंने क्या है आपका
आठवें क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया है। निम्नलिखित फेनोल से आप निम्न यौगिक कैसे प्राप्त करेंगे, केवल आपको समीकरण बताना है। ओके, बिक्रिक अम्ल आपको प्राप्त करना है आर्थो और फिर ब्रोमोफिनॉल और सैलिसिलिक अम्ल। ओके, चलिए मैं आपको इसे सॉल्यूशन दिखा देता हूँ। तो ये आपका दिया है पुष्पांग 16 का सॉल्यूशन। तो फास्टिंग सॉ लीजिए, आपको पहले बिक्रिक अम्ल या 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल कैसे प्राप्त करना है ये आपका दिया है। ओके, आपको फॉर्मूला बस लिखना है, केवल और केवल ये आपको लिखना है, मतलब फॉर्मूला समीकरण बस आपको बताना है, ये आपका हो जाता है। फिर आपको क्या है आर्थो एवं पेरा ये आपको ब्रोमोफिनॉल प्राप्त करना है, तो इसका भी सॉल्यूशन आपके सामने दिया हुआ है, तो उसका भी क्या है आप देख लीजिए समीकरण। ओके, फिर आपको उसके बाद आपको प्राप्त करना है सैलिसिलिक अम्ल। ओके, तो फास्ट इंसोल ले लीजिए। जिस प्रकार से मैं आपको 100% राइट सॉल्यूशन बता रहा हूँ, ओके, इसलिए कम मिलेगा, इसलिए आप ध्यान से लिखिएगा, तो अपने कम्प्लीट हो जाता है। जिसके बाद आगे देख लेते हैं अपन। इसके बाद दोस्तों आपका नेक्स्ट आ जाता है प्रश्न क्रमांक 17। आपको अभ्यास पेपर का सॉल्यूशन की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए गूगल पर जाना है। गूगल पर सर्च करना है अनुराग असाड़ी क्लासेस, सबसे पहले वेबसाइट आएगी, आपको इसे ओपन कर लेना है। जैसे ही दोस्तों आप इसे ओपन करेंगे इस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, फिर आपको ये मेन मेन्यू का बटन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ आपको देखना है क्लास 12th अभ्यास पेपर 2023 सॉल्यूशन। जैसे ही आपको बटन मिले इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको क्या है तालिका ओपन हो जाएगी, जहाँ ये रेड रेड है इसका मतलब है यहाँ क्या है पीडीएफ अपलोड हो गई है। ओके, जिस भी सब्जेक्ट का चाहिए आपको है उस पर आपको क्लिक कर देना है। तो मान लीजिए मुझे क्या है इसका सेट डी का सॉल्यूशन चाहिए, तो सेट डी पर देखिए मैंने क्लिक कर दिया है, इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। ओके, तो ये भी हो गया है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों आप जैसे ही स्क्रॉल करते हुए नीचे जाएंगे तो आपके सामने इस प्रकार इंटरफेस आएगा। इन पोस्टरों पर आपको क्लिक करना है। जब इन पोस्टर पर आप क्लिक करेंगे तो आपका डाउनलोड का बटन मिल जाएगा। ओके, लिखा हुआ क्लिक इन पोस्टर, आपको पोस्टर पर क्लिक करना है। इसके बाद डाउनलोड का बटन मिल जाएगा, वो आपको काम करेगा, उस पर आपको क्लिक करना है। जीमेल आईडी पूछेगा, कोई भी एक जीमेल आईडी करके आपको सिलेक्ट करके आपको ओपन कर देना है। ओके, तो आपके सामने क्या है सॉल्यूशन पीडीएफ पूरी डाउनलोड हो जाएगी। तो देख सकते हैं आप इस प्रकार से आपको क्या है सॉल्यूशन की पीडीएफ पूरी आपको डाउनलोड करनी है। प्रश्न दोस्तों आपके 17 पूछे जा रहा है, निम्न अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण सहित लिखिए। पहला है आपका वुड्स फिटिंग अभिक्रिया, दूसरा आपसे पूछा रहा है फीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। ओके, अथवा दोस्तों आपका SN1 और SN2 अभिक्रिया में कोई चार अंतर, चलिए अपन देख लेते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 17 का सॉल्यूशन, तो पहले आपको क्या है निम्नलिखित अभिक्रिया को समीकरण लिखना है। पहला आपका वुड्स फिटिंग अभिक्रिया, तो इसका सॉल्यूशन आपके सामने दिया हुआ है, तो उसका क्या है फास्ट इंसोल ले लीजिए। ओके, ये आपका हो जाता है। इसके आगे आप देखते और भी आपका एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो ये हो जाता है। इसके बाद दूसरा सी आपको पूछा गया है फीडल क्राफ्ट अभिक्रिया बताना है, तो ये आपकी फीडल क्राफ्ट अभिक्रिया दी है, तो उसका क्या है फास्ट इंसोल ले लीजिए। ये आपकी क्या है फीडल अभिक्रिया हो जाती है। ओके, फीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कंप्लीट हो जाती है। ये आपका सैलिसिलिक अम्ल पूछा गया है, तो इसे भी आप देख लीजिए। ओके, अथवा दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है SN1 और SN2 अभिक्रिया में कोई चार अंतर, तो ये आपका दिया है अथवा क्वेश्चन का सॉल्यूशन, तो फास्ट इंसोल ले लीजिए। तो किसी प्रकार से आपको बिल्कुल लिखना है, देख सकते हैं आप वीडियो को पुश करके आप लिख सकते हैं। ओके, मैंने आपको क्या है पांच अंतर बता दिए, तो आप कोई भी चार लिख लीजिएगा, ये आपका कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 18। ओके, प्रश्न क्रमांक दोस्तों आपका 18 है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का वर्णन निम्न बिंदुओं पर करना है। नामांकन चित्र, कार विधि व उपकरण का वर्णन, तीसरा है सेल अभिक्रिया या एनोड या कैथोड के रूप में। ओके, चलिए इसका सॉल्यूशन मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये आपका दिया है, पहले आपको नामांकन चित्र बनाना है बेहतरीन तरीके से, तो आपको ये दिया हुआ है, इस प्रकार से 500 लीजिए। इसके बाद आपको क्या है कार विधि या उपकरण का आपको वर्णन करना है, तो ये आपका ये वर्णन दिया हुआ है, तो इसका क्या है 500 ले लीजिए। ओके, इसके बाद दोस्तों आपको क्या है तीसरे पूछा जा रहा है सेल की अभिक्रिया, तो ये आपकी सेल की अभिक्रिया दी है, इसका भी 300 ले लीजिए। इस प्रकार से अपने क्या कंप्लीट हुआ था। अथवा देख लेते हैं, अथवा दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है फैराडे के विद्युत अपघट्य के प्रथम व द्वितीय नियम को कथन सहित आपको सूत्र लिखना है। ओके, चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। इसका सॉल्यूशन आपके सामने दिया हुआ है, 500 ले लीजिए। पहले आपका जाता प्रथम नियम। ओके, तो आपका ये दिया हुआ है प्रथम नियम, तो उसका क्या है 500 ले लीजिए। इसके बाद दोस्तों आपसे पूछा है द्वितीय नियम, तो द्वितीय नियम ये आपका दिया हुआ है, इसे भी आप देख लीजिएगा। ओके, तो इस प्रकार से आप अपना ये कम्प्लीट हो जाता है, ये आपको डायग्राम उसमें बना लेना है। चलिए आगे देख लिए, तो मैंने लास्ट क्वेश्चन आ जाता, लास्ट क्वेश्चन है प्रश्न 19। इसमें आपको क्या है निम्नलिखित अभिक्रिया को आपको समीकरण सहित लिखना है। पहला है गार्टर, आपको उसमें केवल समीकरण सहित आपको बताना है। पहला है गार्टर मैन कोच अभिक्रिया, दूसरा है आपको एल्डर्डो संघनन, तीसरा है आपका कैनिजारो अभिक्रिया। ओके, चलिए आपको उसका सॉल्यूशन दिखा देता हूँ। तो ये आपका दिया है प्रश्न क्रमांक 19 का सॉल्यूशन, पहले आपको गार्टर मैन कोच अभिक्रिया आपको बतानी है, तो इसका सॉल्यूशन आपके सामने दिया हुआ है, 500 ले लीजिए। ओके, ये आपका पहली अभिक्रिया हो जाती है। इसके बाद दूसरी आपकी आ जाती है एल्डोल संघनन, इसका भी सॉल्यूशन आपके सामने दिया हुआ है, 500 ले लीजिए। इन अभिक्रिया को अच्छे से तैयार करिएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं सभी सेटों में बार बार रिपीट हो रही है। ओके, मतलब बहुत ज़्यादा चांस है। तीसरा आपको पहले पूछा जा रहा है कैनिजारो अभिक्रिया, तो इसका भी सॉल्यूशन आपके सामने दिया हुआ है, तो इसका क्या है 500 ले लीजिए। टेलीग्राम को ज्वाइन किया तो ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे मैं आपको क्या है पीडीएफ सॉल्यूशन आपको वहाँ प्रोवाइड करा सकूँ। ओके, तो इस प्रकार से अपना कंप्लीट हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, तो इस प्रकार से मैंने दोस्तों आपको क्या है कक्षा 12वीं का आपको सेट स्टडी का फुल सॉल्यूशन बता दिया है। ओके दोस्तों, आगे आपको किस सब्जेक्ट का कौन सा सेट चाहिए कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथ ही दोस्तों अनुराग असाड़ी क्लासेस सभी प्लेटफॉर्म है,
टेलीग्राम इंस्टाग्राम व्हाट्सएप ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे मैं आपकी यह बोर्ड परीक्षा में पूर्ण रूप से सहायता कर सकूँ। ओके, पीडीएफ अगर चाहते हैं तो टेलीग्राम से आप देख लीजिएगा, बाकी आपको मैंने वेबसाइट पर पीडीएफ अपलोड कर ली है, वेबसाइट से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।